है कि आप लोग एक बार तकरीर करें, आप लोगों को इकट्ठा करके एक इंतजार करें और चले जाएं हंसते हुए, चेहरा खिलखिलाते हुए चले जाएं, भूल जाएगी कौन से मुद्दे के लिए हम आए हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि आप इनकलाब लाना है, या तो इनकलाब आएगा या नजीब आएगा। एक चीज, पहली चीज आप लोगों को सुन लेना चाहिए, इनकलाब आएगा नजीब आए या तो नजीब आएगा। आप लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर दिल के अंदर होना चाहिए, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर तो कम से कम होना चाहिए यूनिटी। छात्र एकता हमारी यूनिटी होनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी पढ़ाई लिखाई है। कि मुत्तहिद हो गए तो बदल डालोगे निजाम चमन, और मुंतशिर हुए तो मारो शोर मचाते क्यों हो। अगर मुंतशिर हो गए, अलग हो गए तो शोर मत मचाना। ये मत कहना कि हमें तोड़ दिया गया, ये मत कहना कि हमें अलग कर दिया गया, ये मत कहना हमारी आवाज को दबा दिया गया, ये मत कहना कि हमें खत्म कर दिया गया। अगर अलग हुए तो समझ जाइए खत्म हो जाएंगे। कि इनकलाब लाना है अगर तो यूनिटी लानी है। इनकलाब तभी आएगा जब एक साथ होंगे, एक ही सुर में एक ही आवाज उठाएंगे। ये नजीब के लिए मैटर नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में अगर बात आ जाए, कहीं भी किसी के साथ ना हो जाए बात, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हम सिर्फ स्टूडेंट हैं। हमें ये कोई किताब ये नहीं पढ़ाई जाती है कि सिर्फ ये हिंदू पढ़ेंगे, ये सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे, ये दलित पढ़ेंगे। सारी किताबें एक होती है, सारी चीज एक होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हमारी लिखे हुए उसमें फंडामेंटल राइट्स भी हमारे लिए सबके लिए बराबर है। कि आप लोग अगर इंकलाब लाना है कि तो इंकलाब की आमद का इंतजार ना कर, तो हो सके तो खुद ही इंकलाब पैदा कर। यही हमारी पहचान है, यही हमारी कोशिश है। इंकलाब लाना है हमें, ये नहीं है कि बदायूं में, जैसे कि हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक ऐलान किया था 27 दिसंबर को, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नजीब को लेकर, और वहीं से ऐलान किया गया था कि हम लोग रेल रोकेंगे, और रेल रोकने के लिए हम लोगों ने पाका था, लेटर भी लिखा और जो PMO को भी भेजा, जो चीफ मिनिस्टर को भेजा, और उसका नतीजा यही हुआ कि 31 दिसंबर के पहले ही रात में सारे पूरे हिंदुस्तान से हमसे 10 गुना पुलिस बुला ली गई, सारे RAF बुला लिए गए, ब्लैक कमांडो बुला लिए गए हम लोग को रोकने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि हमने यूनिटी दिखाई, हमने ताकत दिखाई, और हम लोग पहुंच गए और उस चीज को तोड़ दिया। यही हमारी पहचान है। जब आप शुरू करें, जब किसी चीज को शुरू करें तो आखिर में तब तक हम लोग नहीं टूटेंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। और वही चीज है कि तुम मंडल ये लाठी पड़ेंगे, हो सकता है क्योंकि ये लोग तो बैठा हुए उसी लोग के हैं, उन्हीं के तो कब्जे में है, उसी RSS के लोग भी तो बैठे हुए हैं, वही लोग लाठी चलाएंगे हमारे ऊपर, ये उन्हीं के गुलाम है, ये वही लोग है। वो बैठा हुआ 2.5 साल में जो चीज निजाम बदल दिया, अब तक कि हम लोग इतना परेशान नहीं हुए थे जितना उसके 2.5 साल के जो है गवर्नमेंट में हम लोग परेशान हो गए। निचली कौम परेशान हो गए, दलित परेशान हो गए, मुस्लिम परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई। लेकिन काफी सुनने में, कान में जो है रूठ घुस के रखी हुई, उसने कभी नहीं सुनने की कोशिश की कि हम लोग को न्याय दे दे, हम लोग को एक माँ को उसका बेटा दे दे। अरे आप तो पाकिस्तान में जाकर बिरयानी भी खाते और फिर ये भी कहते हैं कि हम 10 सर लेके आएंगे। यही आपकी क्वालिटी नेचर है, यही चीज आप दिखाना चाहते हैं कि हम एक भी हैं, और आप फिर यही कहते हैं कि हमें यहाँ के मुसलमान साथ नहीं देते हैं। तो फिर वहां से क्यों आता है सऊदी अरब का जो लोग, जो यहाँ आता है, एक बादशाह आता है और इतना पैसा देख जाता है, तो उसको आप सर झुका के गुलामी के साथ आप सलाम करते हैं। अगर आप गुलामी की बात करते हैं तो हमारे नजीब को ला के दे दीजिए। रोहित वेमला के मामले में आपने क्या बोला था, कोई स्टैंड नहीं आपका, कोई भी आप लोकसभा में, विधानसभा में यहाँ के जो नेता लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारी चीज देखा है मैंने, कभी लोकसभा में बात आती तो कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार टिकट ना मिले, कहीं ऐसा ना हो हमें पॉलिटिकल पार्टी खारिज ना कर दे। अरे अगर हाथ की आवाज उठाना है तो हार जाइए, जिंदगी ऐसी जिंदगी से लानत है, ऐसी जिंदगी से हमें ऐसी जिंदगी से भी लानत होनी चाहिए अगर हम हक की बात आए और सबके सामने ना कर पाए। झूठ बोलना आपसे सीखे, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। हम स्टूडेंट सच बोलेंगे और चढ़ के बोलेंगे और गवर्नमेंट के हाथ से हाथ चाल कर बोलेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, और एक चीज आपको बता दे हूँ कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो, हम लोगों ने जो प्लान किया है यही फिर टीम हम लोग की लखनऊ में भी प्रोटेस्ट करेगी, वहां भी लाठी खाने के लिए तैयार है, वहां भी जेल जाने के लिए तैयार है, वहां भी हाथ खींचने के लिए तैयार है। कोई नहीं,
लखनऊ में आने का दूसरे मिनिस्ट्री में ही नहीं किया था, पहला इसमें आजमगढ़ में लखनऊ में किया था। पता जो है हम लोगों ने बहुत जगह किया था और हो सकता है फिर अभी फिर जा रहे हैं। 15 तारीख को हम लोग सहारनपुर में है और वो करेंगे, फिर दिल्ली में भी करेंगे। हम रुकने वाले नहीं है जब तक हमारा फैसला हमारा जस्टिस नहीं मिलता, हमें गवर्नमेंट नहीं मिल जाता, हमें नजीब नहीं मिल जाता, हमारी बहन को उसका भाई नहीं मिल जाता, हमारे भाई को एक भाई नहीं मिल जाता, सारे भाइयों को उसका भाई नहीं मिल जाता, उसकी माँ को एक बेटा नहीं मिल जाता। और इसी के साथ खुदा से।